हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 में हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर 2024 के लिए लाइव क्लासेस होती हैं। और कल भी क्लास हुआ था लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था, और आज भी मुझे लगता है मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि भाई अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो नहीं पा रही है और क्लास को रिकॉर्डेड डालना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। बट ये क्लास जो है वो टाइमिंग जो रहेगी 7 बजे ही रहेगी, एक दो दिन के अंदर अपने टाइम पर आ जाएगी क्लास, शाम 7 बजे ही स्टार्ट होने लगेगी। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये क्लास की जो टाइमिंग रहेगी 7 बजे ही रहेगा। कल से क्लास स्टार्ट हुआ है। सीडीपी का प्रीबेसिस क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कराया था, आज मैं हिंदी का लेकर आया हूं, हिंदी एंड पेडागोजी, जिसमें प्रीबेसिस क्वेश्चन सारे रहने वाले इस क्लास में। रीजन ये है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उस परीक्षा के पैटर्न को समझना चाहिए, और पैटर्न को समझने का सबसे सही तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि उस परीक्षा के प्रीबेसिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, ताकि आपको यह पता चले कि किस प्रकार से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए कितना कठिन या कितना आसान होने वाला यह परीक्षा। तो इसलिए भैया सीडीपी की क्लास अगर आपने कल वाली नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और आज की इस क्लास में हम हिंदी एंड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में करते रहिएगा। क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली क्लास शाम 7 बजे स्टार्ट होती है, और इस क्लास को लाइक जरूर करना। कैसा लगा आपको क्लास ये भी हमें कॉमेंट के एंड में जरूर बताना, वीडियो के एंड में जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोगों को एक बड़ा सा गद्यांश देखने को मिल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं हिंदी जो पूछा आता है सीटेट में उसमें 30 क्वेश्चन पूछा आता है, 30 क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन के दो गद्यांश रहते हैं, यानी एक गद्यांश में 10 क्वेश्चन आधारित रहता है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत आसान होता है। अगर आप गद्यांश को अच्छे समझ गए तो सीधा सा 10 क्वेश्चन आपके हाथों में होता है, आपके रिजल्ट में होता है। इसी तरीके से दो गद्यांश होते हैं, एक गद्यांश कुछ इतना बड़ा होता है, लेंदी होता है थोड़ा सा, बट गद्यांश तो बड़ा होता है बट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और दूसरा गद्यांश बहुत छोटा सा होता है। तो दो गद्यांश और 10 क्वेश्चन अलग से, यानी 20 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन गद्यांश से हो जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी आता है। तो आपको ये जो गद्यांश देखने को मिल रहा है ये पूछा गया गद्यांश है, तो मैं आपको लेवल दिखाने के लिए जो हूबहू क्वेश्चन पूछे गए थे, जो गद्यांश पूछा गया था वही लेकर आया हूं। तो एक बार मैं जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा ताकि ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, आप लोग बोर भी ना हो। तो इस गद्यांश को पढ़िए, समझिए, और इस पे आधारित 10 प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। तो देखिए गद्यांश क्या है, देखिएगा, देखिए गद्यांश है, बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं बल्कि बस्तर के उस परंपराओं के संदर्भ में है जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यह हो रही है। यहां सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहां के आदिवासियों के पास आने के पास उनके विशिष्ट आकार भावों मोटिफ में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा, आकार भावों में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो होना ही चाहिए या हो ही चुका है, जितना पुराना होने पर किसी प्रथा, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, धूप हवा पानी सर्दी गर्मी और को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा को हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृतियां कास्ट स्तंभों पर उकेरी जाती हैं अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव में, वही की वही लाल पीले हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर मतलब होता है पत्थर स्तंभों पर चित्रित हैं, लेकिन इनके कास्ट माध्यम से प्रस्तर माध्यम में प्रवेश का अंतरण का कालात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विशिष्ट विघटन कालात्मकता तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के अनेक अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेत
संकेतक भी है। तो एक बड़ा सा गद्यांश था, इस पे आधारित प्रश्न बहुत आसान है, आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, आप देखिए कोई मतलब ही नहीं है, चंद्र शब्द है। अब क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को देखना पड़ेगा? नहीं। अब ये प्रश्न, ये शब्द केवल गद्यांश से उठा लिया गया है, गद्यांश में आने वाले शब्दों को भी उठाकर पूछ लिया जाता है कि इसका पर्यायवाची बताइए, इसका तत्सम तद्भव बताइए, जो भी पूछा जाता है आसान होता है। अब चंद्र कैसा शब्द है आपको पता है, क्या ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? आप सबको पता होगा कि चंद्र जो है ये संस्कृत शब्द है, चांद का या चंद्रमा का, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अवशान शब्द आया था, अवशान का विलोम। अवशान शब्द आपने अगर गद्यांश को ध्यान से सुना या पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अवशान वहां पर शब्द था, तो अवशान का विलोम क्या हो जाएगा, समाप्ति होगा, अंत होगा, पतन होगा? नहीं, आविर्भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न था सुगण शब्द में सु, सुगण शब्द आया था ना, देखिए कहां आया था सुगण शब्द, सुगण शब्द यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा कहीं, देखिएगा ये, देखिए सुगण, ये सुगण आया था, तो सुगण शब्द आपसे पूछ लिया गया, सुगण शब्द क्या है पूछ लिया गया, सुगण शब्द में सु क्या है पूछ लिया गया। देखिए बढ़िया शब्द है, बढ़िया प्रश्न है, सुगण शब्द में सु क्या है, तो सु भैया घड़ के आगे लगा हुआ है, तो किसी मूल शब्द या किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे लगने वाले को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो कहां लगा है, आगे लगा है, तो उपसर्ग है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, विघटन का प्रायः नहीं है, विघटन भी शब्द आया था पंक्तियों के नीचे, तो विघटन का प्रायः, प्रायः का मतलब पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है विघटन का, तो विघटन का मतलब होता है तोड़ना, नष्ट करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्वंस करना, छीणता, नाश करना, ये सब विघटन है, निर्माण नहीं है, ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं है विघटन का निर्माण। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, आइए चलते हैं गद्यांश पर, मैं तो ऐसे बता दूंगा लेकिन आपको गद्यांश दिखा के समझाऊंगा। देखिए कोई, अब यहां पर देखिए कहां पर यह आया है, ये आया है, देखिएगा ये, देखिए आकार भावों में सुरक्षित, यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका, जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, पुराना होने पर किसी प्रथा को परंपरा कहने लगते हैं, यह प्रश्न था, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भैया, इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ काल तक बनी रहकर कोई प्रथा परंपरा बन जाती है, ठीक है, बी सही है। अगला देखो नेक्स्ट है, वस्त्र के विशिष्ट आकार भावों में निम्नलिखित चित्र नहीं है, किसका चित्र नहीं है भैया, सूर्य चंद्र है, पशु पक्षी है, शिव पार्वती है, क्या क्या आए थे शिव पार्वती गद्यांश में, अनुष्ठानिक चित्र आया था, तो क्या हो जाएगा, ये सब आए थे लेकिन शिव पार्वती नहीं था, तो क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शिव पार्वती, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन आकार भावों मोटिफ रंग है, रंग कैसा है, लाल पीला हरा, हरा नीला गेरुआ, गेरुआ पीला नीला, नीला काला लाल, तो भैया देखते हैं गद्यांश पे आ जाते हैं फटाफट, ये देखिए गद्यांश में उत्तर छिपा रहता है कहीं नीचे होगा, ये देखिए लाल पीला हरे चटक रंगों में इन प्रस्तर स्तंभों पर चित्र है, तो देखिए चित्रित है, तो क्या आ जाएगा, लाल हरा पीला, कहां गया भैया प्रश्न, लाल हरा पीला, अरे क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये देखो ये प्रश्न है, ठीक है, तो लाल हरा पीला ऑप्शन ए वाला सही था। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है, बताओ, देखो कि गद्यांश देखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो गद्यांश रहेगा, दूसरा जो गद्यांश रहेगा, दो गद्यांश रहते हैं 30 प्रश्न में, दूसरा गद्यांश और आसान रहेगा, छोटा रहेगा, निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है गद्यांश में था, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं, क्या सही है गद्यांश के आधार पर, इन्हें हमारा आने का की प्रतीक्षा होती है, ये था बिल्कुल था, सुगण आकृतिया काष्ट प्रथम, ये बिल्कुल था, ये भी था, ये वाला गलत है गद्यांश के आधार पर, पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, नहीं हम परंपरा कहने लगते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये वाला गलत है, ठीक है, सही नहीं है। अगला देखो, अब देखो भैया दूसरा गद्यांश आ गया, देखो दूसरा गद्यांश छोटा है, ये बहुत कुछ पंक्तियों में है, इसको पढ़ते हैं, इस पर आधारित 10 प्रश्न और रहेंगे, तो देखिए जमीन का एक टुकड़ा खालिस मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ उसमें शायद बची रह जाएंगी, बारिश की बूंदों की नमी,
धूप की गर्माहट कुछ चांदनी उसमें शायद बची रह जाएगी, चींटियों की बांबी चिड़िया की चोच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज गूंजती हो। ठीक है, ये गद्यांश पे इस पे आधारित दसवां नंबर प्रश्न है। खालिस शब्द का पर्याय है इसका मतलब ये दूसरा वाला जो प्रश्न था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, खालिस शब्द का प्राय, एक सेकंड, एक क्वेश्चन यहाँ पर से कहीं गायब हो गया है, मैं देख लेता हूँ उसको। एक और प्रश्न होगा, चलिए कोई नहीं यहीं से चलते हैं। खालिस शब्द का प्राय है, यानी खालिस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो भैया खालिस शब्द का मतलब होता है विशुद्ध होना। ठीक है, अगला देखो, चांदनी, ये आ गया। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चांदनी शब्द में प्रत्यय बताओ साथियों। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो चांदनी प्रत्यय, मैंने क्या बताया था, उपसर्ग आगे लगता है शब्द के और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इस शब्द का मूल शब्द क्या है? चांद, और नी जो है ये प्रत्यय है, तो नी आपका प्रत्यय हो जाएगा सी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कावित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? जमीन का एक टुकड़ा, हाँ बिल्कुल, जमीन का एक टुकड़ा बचा लेना चाहती है, सही है। धूप की गर्माहट है कहीं पे, धूप की गर्माहट बिल्कुल बचा लेना चाहती है। कुछ चांदनी क्या बचा लेना चाहती है, कहां पर है कुछ चांदनी? ये देखिए, कुछ चांदनी बिल्कुल बचा लेना चाहती है। विस्फोटक ध्वनिया, यही बचा आखिर, सारे तो बचा लिया उसने, डी बचा और ये बचाया नहीं उसने, तो डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये नहीं बचाना चाहती है। ठीक है, विस्फोटक ध्वनिया नहीं बचाना चाहती है। अगला देखो, मैं बचा लेना चाहती हूं जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से अभिव्यक्ति क्या है, अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, बताइए। चार ऑप्शन दिया गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष है, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते का छटपटाहट है, प्रकृति के क्षण पर रोष है, प्राकृतिक संपदा की रक्षा है, तो ये आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है, बताइए किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी का है, बूंद की गर्माहट का है, बारिश की बूंदों की कमी का है, चिड़िया की चाचाहट का है, चिड़िया की चोंच किसका नहीं है भैया, चिड़िया का चाचाहट भी लग रहा है, और ये तो है, ये है कुछ चांदनी है, इसमें दोनों बताओ कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी उत्तर करो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला हो जाएगा, चिड़िया की चाचाहट नहीं है, बारिश की कुछ बूंदों की तो होगी ना कहीं पे यहाँ पर, ये देखिए बारिश की बूंदों की नमी कमी वही हो जाएगा कि नमी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पर नमी होना चाहिए, ठीक है, गलत हो गया है, वही तो कहूँ। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, अब देखो अगला प्रश्न है, कविता में बांस की झुरमुट से बांसुरी के संबंध का आशय क्या है, मतलब क्या है पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों में नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट गलत है, बांसों के बचाए अन्य धातुओं बजाय अन्य धातु बांसुरी बनने की पीड़ा, बांसों के घने जंगल में, ये सब गलत है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला देखो, नेक्स्ट है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, भैया NCF क्या कहा जाता है इसको, NCF 2005, इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका एक स्पेशल टॉपिक कराया जाएगा, नेशनल कैरिकुलम फॉर्मेट, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल कैरिकुलम फॉर्मेट 2005, इससे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे हर एक सब्जेक्ट में उठा के पूछ लेते हैं, शिक्षण शास्त्र का जितने भी प्रश्न आते हैं पेडागॉजी में पूछा जाता है, तो हिंदी पेडागॉजी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा 2005 के 5 सिद्धांत जो दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, ज्ञान को विद्यालय से बाहर किया जाना के जीवन से जोड़ना, क्या यह शामिल किया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन अपने मन से भी उत्तर करें, बिल्कुल शामिल किया गया है, ठीक है, या सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन अधिगम पर आधारित ना हो, क्या यह सही है, यह शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए, 16 का क्या हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल सही है, पाठ्याचार को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चे के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 16 नंबर का, 16 का भैया सी वाला सही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। अगला प्रश्न देखो, आकार भाव मोटिव,
रीसेट हो गया है, हो चुका था। अगला देखो, भाषा की अंतर संबंधी व्यवस्थाओं में क्या शामिल है, बताओ जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ध्वनिया, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास आकृति, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। देखिए, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत यानी पर्सनल भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं कि अपना खुद का स्पेशल कुछ आप यूज करें, उपयोग करें, तो अभिव्यक्ति में आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देखो नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह कथन किसका या यह विचार किसका है पूछा गया है, बताइए यह किसने कहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? तो ये कहा है भैया LS वाइगोत्स्की या फिर नाम चोमस्की या फिर जीन प्याजे, किसने कहा है बताइए। बहुत बढ़िया, नाम चोमस्की ने कहा है, नाम चोमस्की, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत कर रहा है? बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है ना, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो ये क्या किस ओर संकेत कर रहा है, यह भाषा प्रयोग मुक्ता शर्मिला का किस ओर संकेत कर रहा है? व्याकरण नियमों की जानकारी ना होना, नियमों के अति सामान्यकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी या फिर भाषा की समझ ना होना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको व्याकरण का अंदाजा नहीं। देखिए, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो मैंने नहीं होगा, मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी, ये हो जाएगा। तो मैंने जो है ये व्याकरण के दोष का की ओर ले जा रहा, संकेत कर रहा है, तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना शर्मिला को, इसलिए गलत बोल रही है। लेकिन लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, केवल पाठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। यानी कि अगर आपने आपने टेस्ट लिया, अब उसको आपने इकट्ठा किया, लेकिन उसमें क्या किया आपने कि दो तीन होशियार या दो तीन अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को उठा लिया और कहा बेटा तुम भी इसको जांच करो, बच्चों के टेस्ट को जांच कर लो, ठीक है। तो वो जब इसका अवसर अगर आप उनको दोगे तो बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित यानी दूसरों को लिखावट को देखने को मिलेगा, कैसे वो लिख रहा है बच्चा सभी के, ठीक है, और अवलोकन क्षमता का विकास होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, लोक गीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों? जो लोक गीत हैं हमारे उनको भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये इसका रीजन पूछा गया है। लोक गीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, लोक गीत गाए जा सकते हैं, केवल लोक गीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर का उत्तर बताएं भैया, बिल्कुल डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। लोक गीतों को अगर हम अगर अपने भाषा कक्षाओं में शामिल करेंगे तो इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है, 23 नंबर प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या समझते हैं आप बताइए। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। ऑप्शन बी है, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। सी है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न ऑप्शन डी है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है या पूछा या 23 नंबर का क्या हो जाएगा, कमेंट करें फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। अगला प्रश्न देखिए, 23-24 नंबर है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ध्यान देना, नहीं है पूछा गया है।
सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। जवाब क्या हो जाएगा 24 का, आंसर करें, कमेंट करें। भैया बिल्कुल डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी कथन की आवश्यकता क्यों है? सभी बच्चों को की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब बच्चा कहानी सुनता है तो अपने मन में उसको कल्पना करता है, उन करेक्टर्स की कल्पना करते हैं, जो पात्र जो कहानी में आए हैं उनको सोचता है, उनको अपने मन में काल्पनिक रूप से सोचता और देखता है, ठीक है, तो इससे उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, बताइए 25 नंबर का राइट आंसर। भाषा एक अर्जित योग्यता है। और चोमोस्की ने क्या कहा है कि भाषा सीखने की योग्यता के साथ, क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है, ये बताया है। अगला देखो 26 नंबर है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये जो मैं करा रहा हूँ ये शिक्षण अधिगम है, यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्या ये सही है या फिर सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए। बिल्कुल सही है, भाषा शिक्षण में केवल भाषीय शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने की सहायक होता है। तो भैया क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला तो सही है, भाषा शिक्षण में केवल आ गया, निगेटिव है, केवल किसी में देख लो, अगर प्रश्न निगेटिव है, नहीं पूछा गया है, तो बस आप ये ढूंढिए कि कौन से ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड यूज किए गए, तो केवल जो है ये नेगेटिव वर्ड है। कल भी मैंने नेगेटिव वर्ड को देख समझने को बताया था, तो केवल सिर्फ ये सब जो है नेगेटिव है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल नहीं होता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, सुत्ता पर ही अधिक बल देता है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला देखो, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? बहुसांस्कृतिक, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र से बच्चे शामिल हैं, बताइए सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों, देखिए क्या हो जाएगा, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, क्या ये सही है उचित है? भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना भाषी है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, बिल्कुल सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, सी उचित है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है, ये नहीं, आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो 28 नंबर प्रश्न है, देखिए श्वालीन विकार जिसको कहते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा कैसा होता है? अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्य में लीन हो रहता है, नहीं, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये जो श्वालीन विकार जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, बातचीत करने किसी अजनबी या किसी बाहर किसी से बात नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कौन सा है? 29 नंबर का जवाब दीजिए, 29 का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता का पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है, क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम पूछा गया है, तो 29 का भैया बी वाला सही है, बहुत बढ़िया, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे हिंदी क्लास का, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है, बताइए, द्वितीय द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, क्या हो जाएगा 30 का, 30 का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें किसी
मदर टंग की जरूरत नहीं होती है, मदर लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में हमें अपनी मातृभाषा का सहयोग लेना पड़ता है हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए। संस्कृत सीखने के लिए भी हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं फिर समझाते हैं। इंग्लिश के किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को अगर हम बच्चों को सिखाना होता है तो उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, और हिंदी कैसा है, हमारा मातृभाषा है, तो हम उसका सहयोग ले रहे हैं दूसरे भाषा को सीखने में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सहयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी मध्यस्थ भाषा का प्रयोग नहीं करते तो प्रत्यक्ष मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है उसको, ठीक है। तो ये रही दोस्तों हमारी हिंदी की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को लाइक करें एंड शेयर करें, सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें भाई सभी लोग, ठीक है। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और भाई डेली शाम 7 बजे आप लोग आ जाया करो। अभी थोड़ा सा क्लास लेट हो जाता है लेकिन अधिकतर आगे से लेट नहीं होगा यही सोचता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए तो अब हम लोग भैया क्लास को यहीं पर एंड करना चाहते हैं, और जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, और कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा आपके लिए क्लास के अंत में कि माना कि किताबों की बहुत अहमियत है लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। बस इसी के साथ इस क्लास को एंड करूंगा और मिलूंगा अगली क्लास में कल शाम 7 बजे। धन्यवाद।